हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हर युग में ईश्वर अवतार लेकर धरती पर उतरते हैं, पता है क्यों? सिर्फ उन्हें युग परिवर्तन करना होता है या बात कुछ और होती है? दरअसल सच्चाई क्या है, आज आप लोगों के सामने मैं अपने वीडियो के द्वारा ये बतलाने जा रही हूँ। हर युग में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसके पश्चात उस युग में अंतिम समय आ जाता है और उसके पश्चात नए युग का आगमन होता है। लेकिन नए युग और पुराने युग के खत्म होने के बीच एक संधि काल रहता है। कलयुग में अभी वही संधि काल चल रहा है, यानी जब कलयुग पूरी तरह खत्म भी नहीं है और सतयुग आने को है। जैसे कि दिन और रात, शाम उन दोनों को मिलाती है, यानी समय जब संध्या का होता है तब दिन खत्म हो रहा होता है और रात आने वाली होती है। इस संधि काल में क्या कलयुग में पाप का घड़ा भर चुका है या अभी भी समय बाकी है? क्योंकि जब तक पाप का घड़ा भरेगा नहीं तब तक महाविनाश और महाप्रलय आ नहीं सकता इस धरती पर। क्योंकि हर कार्य को करने के लिए ईश्वर ने एक समय निर्धारित किया है, न समय से पहले और न समय के बाद, यानी निर्धारित समय पर ही उस काम का होना निश्चित है। सब लोग अटकलें लगा रहे हैं कि अगले साल, उसके अगले साल 2025 या 2029 में महाविनाश आएगा और सब लोग खत्म हो जाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि कलयुग में पाप का घड़ा भर चुका है? मुझे नहीं लगता। अभी और भी ऐसे ऐसे क्राइम और ऐसे ऐसे पाप अभी भी होंगे और उसका खुलासा भी लोगों के सामने होगा। अभी भी लोगों की आंखें नहीं खुली हैं, अभी भी लोग चोरी छिपे पाप को अंजाम दे रहे हैं। पूरे संसार में अफरा तफरी का माहौल है, हर जगह एक घटना समाप्त होती नहीं कि दूसरी घटना इमीडिएटली अटैक कर देती है, यानी टाइम टू टाइम कब किस घटना को इस दुनिया में घटित होना है। इनविजिबल कल्कि अवतार के द्वारा ये सभी कार्य हो रहा है। आज भी बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि कोई उन्हें नहीं देख रहा है, लेकिन जानने वाले, समझने वाले और जो सच्चे भक्त होते हैं उन्हें ये बात पता रहती है कि सबसे तो हम छिपा सकते हैं लेकिन उस निराकार ईश्वर की आँखों से कोई भी बात छिपी नहीं रह सकती। और जब वही निराकार ईश्वर की आँखें देख लेती हैं कि उस पर्टिकुलर युग में अब पाप का घड़ा भर गया है और अब युग परिवर्तन का समय आ गया है, तब अवतार लेकर निराकार ईश्वर साकार रूप में धरती पर उतरते हैं और पाप का घड़ा फोड़ देते हैं और उसके बाद नए युग, एक फ्रेश युग, एक अच्छा युग लोगों के सामने आता है। लेकिन नव निर्माण के पहले महाविनाश और महाप्रलय, महाविनाश और महाप्रलय इसलिए क्योंकि लोगों की समझ में आ जाए कि वास्तव में उन्होंने क्या किया। आज अभी भी मुझे नहीं लगता कि कोरोना से लोगों ने सीख ली है, या जो चाइना में हो रहा है, रशिया यूक्रेन में हो रहा है, जो अमेरिका में वाइट स्टॉर्म आया हुआ है, उन सब से आज भी लोग कोई चेतावनी ले रहे हैं, जो डिवाइन हमें अलर्ट कर रही है बार बार इन घटनाओं के द्वारा, क्या आज भी लोग सही सीख ले रहे हैं? बहुत सारे लोग अवेकनिंग की राह पर आगे बढ़ गए हैं। सतयुग आगमन होने को है, कैसे पता चल रहा है? उसके बारे में संकेत पहले ही मिलने शुरू हो गए हैं। याद कीजिए, और जब आपने ये बातें पढ़ी होंगी कि सतयुग में जब कोई मेहमान घर में आते थे तो पुरानी परंपरा के अनुसार उनका हाथ पांव धुलाकर साफ
सुथरे तरीके से उन्हें आसन देकर बिठाया जाता और तब उन्हें खाना परोसा जाता। कोरोना काल में क्या आपने नहीं देखा कि बाहर से यदि कोई व्यक्ति आपके घर में आया तो पहले तो आना ही मना था, और यदि कोई आया तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल लोगों ने किया, उनका हाथ अच्छी तरह से साफ करवाया और तब अलग से उन्हें सीट दी गई बैठने के लिए, और तब उन्हें खाना परोसा गया। खाने के लिए भी लोग फल सब्जी इसी तरफ ज़्यादा गए, यानी नॉनवेज से लोगों ने किनारा किया और वेजिटेरियन लाइफस्टाइल को लोगों ने अपना लिया। यही वो संकेत है जब लगता है कि आने वाला समय सभी के लिए सुखद होगा, लेकिन उस सुखद युग परिवर्तन के आने के पहले लोगों को सबसे पहले जो चेतावनी जारी की जा रही है उससे खुद के जीवन में परिवर्तन लाना होगा, क्योंकि अलर्ट डिवाइन की तरफ से ऐसे ही नहीं आते, वो हम लोगों को एक सीख देने के लिए आते हैं। आज मानो का ही दुश्मन बना बैठा है। आज अपने ही देश के लोग अपने ही देश की बुराई चाइना के सामने, पाकिस्तान के सामने कर रहे हैं। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आज आपने एक बात कही नहीं कि हर देश में वो बात पहुंच जाती है। जब एक इंसान आज खुद ही दानव बन बैठा है, तो जब तक मानव धर्म को अपनाते हुए जब वो सही सीख नहीं ले लेगा कि वास्तव में ह्यूमैनिटी किसे कहते हैं, कैसे एक सच्चा इंसान सही तरीके से जीवन जी सकता है, तब तक सतयुग नहीं आने वाला। और जब तक थोड़े से भी इंसान आज इस धरती पर पुण्य कर्म को अंजाम दे रहे हैं, यानी अभी भी आप कह सकते हैं कि पाप का घड़ा पूरी तरह भरा नहीं है, क्योंकि इस डिकेड में हर ईयर मेमोरेबल होगा, और मेमोरेबल इसलिए क्योंकि वो हमें कोई नई सीख दे जाएगा, और उस सीख से हमने क्या सीखा ये हम पर डिपेंड करता है। तो जिन्होंने सीख लिया उनका परिवर्तन जीवन में इतनी अच्छी तरह होगा कि वो नए युग में प्रस्थान कर जाएंगे, और जिन्होंने नहीं सीखा उनके पाप का घड़ा भर जाएगा और वो फूट जाएगा। तो अब देखना यही है कि कितना समय अभी भी और है महाविनाश महाप्रलय आने में, यानी पाप का घड़ा अभी भी मेरे अकॉर्डिंग भरने में काफ़ी समय बाकी है, क्योंकि लगातार पाप का स्तर पैरामीटर बढ़ता चला जा रहा है। पहले के आप कुछ वर्षों पहले ये सोचते होंगे और ये देख रहे होंगे कि सुसाइड रेट इतना नहीं है जितना आज हो रहा है। पहली बात, मर्डर होते थे लेकिन घृणित कार्य जो आज हो रहे हैं कि मर्डर करने के बाद डेड बॉडीज़ को फेंका नहीं जा रहा है बल्कि टुकड़ों में काटा जा रहा है, तो आज इंसान राक्षस बन गया है, मानव कहाँ रहा। अब और पाप कितने होने बाकी हैं, कैसे कैसे पाप और कैसे कैसे अपराध आने वाले समय में होंगे, ये हम लोग भी अपनी आँखों से देखेंगे। कहा है ना, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था श्री कृष्ण उस समय नहीं आए, जब उन्होंने देख लिया कि पूरी तरह से अब सब लोग खामोश बैठे हैं, और अब वो समय है जब श्री कृष्ण को द्रौपदी की मदद करनी चाहिए, तभी उनकी एंट्री हुई द्रौपदी के चीरहरण से द्रौपदी को बचाने के लिए। तो कलयुग में भी पाप का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन पाप का घड़ा अभी तक भरा नहीं है, और उसे भरने के बाद ही महाविनाश के जरिए उसे फोड़ा जाएगा। जब वो फूट जाएगा तभी महाविनाश होगा, महाप्रलय होगा। उसके बाद जिन्हें जाना है वो जाएंगे, और जिन्हें प्रस्थान करना है वो युग परिवर्तन के बाद नए युग में चले जाएंगे। तो आप भी रहिए सावधान, समय बहुत ही क्रिटिकल है। एडवाइस मेरी यही है, मैं अपने जीवन पर भी यही इम्प्लीमेंट करती हूँ जो मैं आपको बतलाती हूँ। हर पल हमारा कीमती है, आने वाला समय
बहुत अधिक वार्निंग देने वाला है हमारे लिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। लेकिन उस डिवाइन वार्निंग को हम कितनी अच्छी तरह से एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, ये हमारे ऊपर है। तो एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन किस प्रकार करना है डिवाइन अलर्ट का, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और हमारे जीवन में हमने जाने अनजाने कितने पाप किए हैं, उसका किस तरह से भुगतान होगा, ये तो हमारे जीवन का पूरा जो जमा खाता है वो सब कुछ कल की अवतार लेकर बैठे हैं, किसी को भी नहीं बख्शेंगे। इसी जीवन में मानव अवतार में जब वो आए हैं तो हर एक मानव का हिसाब किताब उनके ही हाथों होने वाला है। तो कोशिश यही कीजिए कि अनजाने में तो पाप हो जाए, लेकिन जानबूझकर ना किसी का आप दिल दुखाइए, ना किसी के बारे में बुरी सोच अपने मन में लाइए। सब कुछ छोड़ दीजिए उस ईश्वरीय अवतार के हाथ में, यकीन मानिए उनका न्याय आप भी देखेंगे कि कितने कमाल का होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।